स्टार्ट करेंगे रेलवे ब्रिज एंड टनल सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम रेलवे सर्वे पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की थी रेलवे ब्रिज एंड टनल्स की, तो आज हम क्या करेंगे, रेलवे सर्वे के बारे में जानेंगे। तो रेलवे सर्वे कौन कौन से होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो रेलवे जो अलाइनमेंट करते हैं, हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं उन पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हम बहुत सारी चीज़ें रेलवे सर्वे को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, रेलवे सर्वे कौन कौन से जो रेलवे सर्वे उनकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर रेलवे सर्वे के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेलवे सर्वे क्या है। रेलवे सर्वे इज द टू गेट द ऑप्टिमम रेलवे ट्रैक, टू गेट द ऑप्टिमम रेलवे ट्रैक बिफोर लेइंग इज कॉल्ड रेलवे सर्वे ऑन द ग्राउंड। मतलब ये हुआ हमें अच्छे प्रॉपरली वे से रेलवे ट्रैक को बनाने से पहले उसको ऑप्टिमम वे से उसको प्रॉपरली स्टडी करने को क्या बोलेंगे, और उसके सर्वे करने को हम क्या बोलेंगे, रेलवे सर्वे। ठीक है जी, ये रेलवे सर्वे और रेलवे जो रेलवे ट्रैक है हमारा, जो रेलवे ट्रैक का सर्वे है, जो रेलवे ट्रैक हम जो अलाइनमेंट हम बनाते हैं, तो वो किस के थ्रू पॉसिबल है, वो पॉसिबल ओनली थ्रू किसके है, रेलवे सर्वे के। अगर हम रेलवे सर्वे नहीं करेंगे तो हम अलाइनमेंट को प्रॉपर वे से डिजाइनिंग प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें जो ओब्लिगेशंस होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं रेलवे सर्वे, तो और बहुत सारे जो रेलवे सर्वे है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं, अगर हम बात करें तो रेलवे सर्वे को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। नंबर वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स दो उसको क्लासिफाइड कर लिया हमने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में आते हैं जैसे रेलवे की जो अलाइनमेंट करनी है हमने, वो उसकी विड्थ, ग्रेड्स, ग्रेडियंट, कर्व, और जो विड्थ रहेगी वो उसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में स्टडी करते हैं। ठीक है जी, और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हुए, वर्टिकल कंपोनेंट्स मतलब ग्रेडियंट और जो वर्टिकल कर्व्स होंगे उसमें उसकी स्टडी करना, वो जो ग्रेडियंट्स हैं और वर्टिकल कर्व्स हैं उनके बारे में जानना, उनकी स्टडी करना, वो हमारे ये क्या रहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स रहेंगे। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, रेलवे ट्रैक एक हम शब्द यूज कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक जा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेलवे ट्रैक को अलाइनमेंट ऑफ रेलवे, रेल अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, जहां हम इसको रेलवे ट्रैक को क्या बोल सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, एक ही बात है। जब भी मैं अगर वर्ड बोलता हूं अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, तो मतलब क्या है, ये रेलवे ट्रैक की बात है जो अलाइनमेंट हमने करनी है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें मतलब हम कह सकते हैं रेलवे ट्रैक इज आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। तो हमने अब ये थोड़ी सी बातें जानी, तो अब इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना,
ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा जो रोल अदा कर रहे हैं, जो हमारी अलाइनमेंट करनी है हमने ट्रैक की उसमें जो रोल है बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है जी। इनकी इनकी वजह से जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो कर्व्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, विड्थ है, क्या अलाइनमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में अगर पता होगा तो हम तभी क्या कर सकते हैं, अच्छे से रेलवे सर्वे को कर सकते हैं। और अच्छे रेलवे सर्वे प्रॉपर ढंग से होएगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे से क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं ट्रैक की, रेलवे की। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में हम बात की। अब हम अगर बात कर लें नेक्स्ट, अगर हम बात करें वो फैक्टर्स कौन से हैं जो रेलवे रूट को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम रेलवे, कोई भी रेलवे है, कोई भी रेलवे लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत बड़े उस पर देखा जाता है, तो वो चीज़ें हम नहीं इग्नोर कर सकते अगर कोई भी हमने रेलवे, क्योंकि पता क्या है इसमें रेलवे कोई भी अगर हम ट्रैक अलाइनमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी इनिशियल कॉस्ट लगती है, बहुत बड़ी इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन। तो रेलवे अगर ट्रांसपोर्ट हमने अवेलेबिलिटी करानी है कहीं पे, तो वहां पे हमने बहुत सारी छोटी से छोटी चीजों को भी देखना पड़ता है। तो और बात बता दें, अगर छोटी सी भी गलती, अगर लिटिल मिस्टेक भी होती है, तो वहां पे हमारे जो ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा ढंग से, ठीक है, और हमारी मेंटेनेंस ऑफ जो रेलवे है वो रेल है वो नहीं हो पाएगी, जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पाएगी, हमारा अनइकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी पूरी रेलवे की। हम हर एक चीज को हम क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर ढंग से हमें उसको अलाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से उसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रैक को अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट में बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात कर लें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेलवे रूट, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेलवे रूट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलीजियस प्लेसेस, तो रिलीजियस प्लेसेस बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी मान लीजिए अगर हम कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमारे अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक में, हमारे रेलवे ट्रैक में क्या आ रहा है, कोई रिलीजियस बिल्डिंग आ रही है, कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, तो हम वहां से रेलवे ट्रैक को नहीं बनाएंगे, हम अपना ट्रैक क्या करेंगे, डेविएट करेंगे वहां से, ठीक है जी। तो ये एक फैक्टर है हमारे रेलवे रूट का, हम क्या नहीं कर सकते, शुड नेवर क्रॉस थ्रू रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। हमें रेलवे रूट को डिटरमाइन करते समय कभी भी किसी रिलीजियस प्लेस, स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग्स को हमारे रेलवे रूट में नहीं लेके आना है, ठीक है जी। तो इसीलिए हमें क्या कर देना है, वहां से वो रेलवे ट्रैक को डेविएट करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक फैक्टर है। तो सेकंड क्या है, एरिया ऑफ फ्लड एंड स्नोफॉल। तो जहां पे एरिया, जो ऐसा एरिया है जहां पे फ्लड प्रोन एरिया है, जो कोई स्नोफॉल ज्यादा होती है, तो वहां पे भी हम क्या कर लेंगे, जो रेलवे रूट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एरिया जो प्रोन, फ्लड प्रोन एरियाज है, जहां पे स्नो जिस एरिया में ज्यादा पड़ती है, वहां से भी हम क्या करेंगे, रेलवे रूट जो है हमारा वो इन्फ्लुएंस होएगा, क्या होएगा, हमारा फैक्ट करेगा,
जो ये फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ऑपरेशंस होने वाले हैं हम मेंटेनेंस में भी कठिनाई आएगी और कंस्ट्रक्शन में भी कठिनाई आएंगी, और मेन जो बात है हम जब ऑपरेशन करेंगे रेलवे की, जब चलाएंगे रेलवे को, ऑपरेशन के टाइम पे भी क्या होएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज हैं, स्नोफॉल एरियाज हैं, तो वहाँ पे हम कम से कम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को, रेलवे रूट को डिटरमाइंड करते हैं, जो एक फैक्टर है ये भी तुम्हारा एरिया ऑफ फ्लड। उसके बाद ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है, नंबर थ्री क्या है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स भी हमें क्या देखने चाहिए, रेलवे ऑफ अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट कर रहे हैं रेलवे की उसमें ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स भी हमें देखने चाहिए, ठीक है जी। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, तो वहां से भी हमें क्या करना चाहिए, भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे रेलवे ट्रैक को, ये माइंड में होना चाहिए कि कोई ना कोई किस कोई ऐसा इम्पोर्टेंस ना रखता हो कोई ऐसा पॉइंट, जैसे कोई स्पेशल मार्केट आ जाए या कोई स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंस रखता हो हमारा वो रूट, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंस हो या कोई टाउन टाउन इम्पोर्टेंस हो, तो ये इम्पोर्टेंस को हमने देखना चाहिए, तो वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रेलवे रूट को इफेक्ट करता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ की, फोर्थ नंबर पे हम फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ क्या है, हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है जी, इट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द रेलवे रूट, फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ। आने वाले टाइम में क्या आगे जो हमारी जो ट्रैफिक है वो बढ़ने वाली है कि नहीं, अगर नहीं बढ़ने वाली तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर नहीं बढ़ेगी ट्रैफिक ग्रोथ नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली जहाँ पे हम रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे रेलवे लाइन हम अलाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर ट्रैफिक जो फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ है नहीं होने वाली, कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे क्या होएगा, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए आगे जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है ट्रैफिक की या नहीं होने वाली, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी ये जो हमारा जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, रेलवे रूट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन, फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक डिजाइन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द रूट ऑफ रेलवे, व्हाइल डिटरमाइनिंग द अलाइनमेंट इट शुड बी केयरफुली स्टडीड। मतलब क्या है, जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, ताकि हम रेलवे रोड को अच्छे से क्या कर सकें, अलाइनमेंट दे सके, अलाइन कर सके, बना सके। तो इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन का बहुत बड़ा रोल है, ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब उसमें कर्व्स कितने आएंगे, ग्रेडियंट्स कितने आएंगे, अगर जितने ज्यादा ग्रेडियंट्स कर्व्स आएंगे तो उतनी ज्यादा हमारी क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वहां पे हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन को देखना जरूरी है, ठीक है। हमारा अवेलेबिलिटी फंड को देखना जरूरी है, अवेलेबिलिटी फंड जो है वो है कितने, तो उसके हिसाब से भी हमें इकोनॉमिकल, क्योंकि इकोनॉमिकल हमने क्या करना है, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इकोनॉमिकली हमें एक रेलवे लाइन को तैयार करना है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, कितनी विड्थ है, कितना एरिया सर्वेड होना है, क्या कितना एरिया रखना है, कितना हमारा जो ग्रेडियंट है, कर्व्स है, किस तरह के कर्व है, वर्टिकल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, तो ये सारी की सारी चीजें ज्योमेट्रिक डिजाइन में आएंगी। तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, हमारी
रेलवे रूट को, और इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या बोला, ग्रेडियंट जो है वो 3% से कम होना चाहिए। जो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम बात करें तो वो 3% से बिलो होना चाहिए, बिलो 3%, यानी कि इसका मतलब ये भी रूलिंग ग्रेडियंट होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेडियंट होना चाहिए। जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं, रेलवे रूट को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेडियंट होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेडियंट से हमें बनाना है, नॉर्मल ग्रेडियंट से हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट होना चाहिए। और अगर कर्व की बात करें तो कर्व क्या है, मैक्सिमम रेडियाई होनी चाहिए उसकी। तो इसलिए हम ये सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं जो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेलवे रूट को, तो रेलवे रूट ऐसे होने चाहिए। और कौन से फैक्टर्स हैं वो बात करते हैं नेक्स्ट। जो हम फैक्टर्स की बात करें, टोपोग्राफी ऑफ एरिया, 6th नंबर पे जो है हमारा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ एरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेलवे रूट को इफेक्ट करता है, और एक सीरियस फैक्टर भी है जो सीरियसली इफेक्ट कर सकता है रेलवे रूट अलाइनमेंट को। सीरियसली क्यों बोला, टोपोग्राफी एक क्या है, जो हमारे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, तो उस पर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। एक ये सीरियस प्रॉब्लम भी है, एक सीरियस मैटर है, सीरियस फैक्टर है, जिसमें ये एक सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे रूट अलाइनमेंट। तो बहुत सारे जो टोपोग्राफीज हैं, कहीं पे कैसी है, तो कहीं पे हिली एरियाज हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे किस तरह से कोई लेवल है, कोई ग्रेडियंट कैसा है, कहीं ग्रेड कैसे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो टोपोग्राफी में आएंगी। तो टोपोग्राफी जो रहेगी वो क्या है, इफेक्ट करेगी। तो ऑप्टिमम रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए, डिटेल्ड में हमें टोपोग्राफी, जो एरिया एरिया की टोपोग्राफी है, जिस एरिया में हम सर्वेयर कर रहे हैं, जहां हम रेलवे ट्रैक को डिटरमाइन करना चाहते हैं, वहां की टोपोग्राफी को डिटेल में स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो उस जीव ये क्या है, कोई फैक्टर है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो इफेक्ट करता है रेलवे रूट को। और अगर हम टोपोग्राफी के बाद अगर बात करें तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिटरमाइन द रेलवे रूट, इट इंक्लूड वर्किंग आउट द इकोनॉमी, द इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। तो बहुत सारी जो कॉस्ट है वो इसी पे डिपेंड्स है। जैसे हमने रेलवे रूट को बनाना है, डिटरमाइन करना है, उसका सर्वे करना है, उसके बाद हमें देखना है वो फाइनल हमारी जो डिसीजन आएगा जो सर्वे करके वो क्या होएगा, तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी जरूरी है। क्या जो हमारी इकोनॉमिक जो हमारा रूट है वो रूट में हमारा इनिशियल कॉस्ट कितना लगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, ईयरली क्या रहेगी, या हम हमारा जो ऑपरेशन व्हीकल होएगा, ऑपरेशनल हमने क्योंकि रेल चलानी है तो ऑपरेशन व्हीकल्स की जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी। तो हमारा जो फ्यूचर, हमने बात की थी पहले कि फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ की, तो ये भी है क्या है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन है फ्यूचर ग्रोथ। तो आने वाले टाइम पे क्या इकोनॉमी आ सकती है, रिटर्न क्या आ सकता है, अगर रिटर्न आता है तो वो क्या है, एक इकोनॉमी जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है या हमारी व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या रह सके, बैलेंस रह सके। और हम ये एक फैक्टर बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी कंसिडरेशन। तो इकोनॉमी की कंसिडरेशन भी करना इन्फ्लुएंस करता है रेलवे रूट को। और हम क्या कर लें, ड्रेनेज, तो ड्रेनेज भी एक क्या है, फैक्टर है जो रेलवे रूट को इफेक्ट करेगा। तो हमेशा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जी ड्रेनेज सिस्टम,
अगर हमने रेलवे रूट कोई बना रहे हैं तो ये एक फैक्टर है रेलवे, हमारा जो रेलवे ट्रैक है, हमारी जो रेलवे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द क्या होना चाहिए, ड्रेनेज, तो वो अवे फ्रॉम द क्या होना चाहिए, वाटर से क्या होना चाहिए, वो जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ से हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अगर हम आगे इन्फ्लुएंस फैक्टर्स की बात करें तो लास्ट जो है बाउंड्रीज, तो नाइन्थ नंबर पे क्या है, बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज भी ये क्या है, एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेलवे रूट को। कैसे, बाउंड्री जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री लगती है हमारे देश की, तो वो वहां पे हमने रेलवे ट्रैक को नहीं अलाइनमेंट देनी है, वहां पे नहीं बना सकते, ठीक है जी। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं रेलवे रूट को, डिटेल में पढ़े इसको ध्यान से, ठीक है जी। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर्स एंड फैक्टिंग ऑफ ये आ सकता है आपको, तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है जी। तो रेलवे सर्वे, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा रेलवे सर्वे रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे सर्वे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे सर्वे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Various types of railway survey. Next topic हमारा क्या है? Brief description of various types of railway survey. जो types of railway survey है उसकी description करनी है हमने, हमने देखना है जो अलग अलग तरह के सर्वे किए जाते हैं जो, तो सबसे पहले हम बात कर लें जो सर्वे है, सर्वे जो हमारा सर्वे है हमारे जो अलाइनमेंट करने के लिए किए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सर्वे किया जाता है वो है ट्रैफिक सर्वे, ट्रैफिक सर्वे। तो ट्रैफिक सर्वे क्या है और पर्पस क्या है ट्रैफिक सर्वे का? द मेन पर्पस ऑफ ट्रैफिक सर्वे to collect the field information, field detail. तो field detail और field information field को collect करना क्या है? Traffic survey का काम है. तो traffic survey एक ऐसा survey है जिसमें क्या किया जाता है? Traffic क्या future planning है? कैसे ट्रैफिक की ग्रोथ होने वाली है? कैसा डेवलपमेंट होएगा कि नहीं होएगा? इंडस्ट्रीज को कैसा, इंडस्ट्रीज
है कि नहीं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या है, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो ट्रैफिक सर्वे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रैफिक सर्वे में बहुत सारी चीजों को कंक्लूड किया गया है। सबसे पहले जो टाउन्स एंड विलेजेस हैं उसके डिस्टेंसेस को देखा गया है। जो हम करते हैं, जो ट्रैफिक सर्वे किया जाता है वो क्या है, फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन है। फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले जो की जाती है। तो फील्ड में जाके क्या किया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है, डिटेल में स्टडी की जाती है। और जो हमने जहाँ पे लाइन को क्या करना है, जो रेलवे ट्रैक हमने, जो रेलवे रूट हमने बनाना है, वहाँ पे जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनकी डिटेल पढ़ी जाती है। और उन डिटेल्स में क्या आता है, वो टाउन और विलेजेस जो रेलवे रूट हम बनाने वाले हैं 10 या 20 किलोमीटर की रेंज में है या नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत सारी। और ये भी देखा जाता है ट्रैफिक सर्वे में, जो हमारा टाउन्स और रेल जो विलेजेस जो हमारे रेलवे रूट के साथ आने वाले हैं वो क्या है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस और टाउन्स को जोड़ा जा सके। तो ये ट्रैफिक सर्वे है। और जो ईयरली जो ट्रैफिक की जो क्वेश्चन की जाती है, मतलब डेली एवरेज डेली या ईयरली ट्रैफिक कलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो फील्ड वर्क में, मतलब डेली कितना ट्रैफिक जा रहा है किसी रूट से, तो किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए देखा जाता है। तो और मोड ऑफ जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में के जरिए देखा जा सकता है जो किसी एरिया की कितनी ट्रैफिक है, कितनी ट्रैफिक ग्रोथ आने वाले टाइम पे होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी जाएंगी, किसमें सर्वे की जाएगी, ट्रैफिक सर्वे में। तो ये सारी चीज़ों में क्या आ जाएगा, जैसे एक दिन में कोई पीक आवर्स होते हैं, पीक डेज होते हैं, उस डेज पे कोई फेस्टिवल्स हैं, कोई रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वे सारे के सारी चीज़ें क्या है, ट्रैफिक सर्वे में हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ट्रैफिक सर्वे में, टाउन्स एंड विलेजेस के डिस्टेंसेस को देखा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, टाउन्स एंड विलेजेस जो आते हैं रूट के आने वाले हैं अक्रॉस द अलाइनमेंट, तो उनको देखा जाता है ये 10 या 20 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं या मैक्सिमम विलेजेस को हम कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इसका क्या है, ट्रैफिक सर्वे का काम है। और जो ट्रैफिक की कैपेसिटी है वो कितनी है, ट्रैफिक कितनी ग्रोथ कर रहा है, उसको भी क्या किया जाता है, स्टडी डिटेल में स्टडी किया जाता है इस सर्वे में। सेकेंडली इसमें क्या किया जाता है, लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इंडस्ट्रीज। हाँ, तो जो लोकेशन है वहाँ पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन है, जहाँ पहले से जो इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, जहाँ बननी है, उसकी जो उस एरिया की डेवलपमेंट कहाँ तक जा रही है, तो ये चीज़ें भी इसमें स्टडी की जाती हैं, इसमें सर्वे की जाती हैं। और ओकेजनली रश पीरियड रिलीजियस फेस्टिवल, और जो मतलब कभी कभार क्या होता है, फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस टाइम पे क्या ट्रैफिक रहने वाली है, उस टाइम पे कितना लोगों का रश रहता है, तो वो चीज़ें भी किसमें स्टडी की जाती हैं, रेलवे सर्वे में सर्वे की जाती हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, और ये पॉसिबिलिटी जरूर देखी जाती है ट्रैफिक सर्वे में, जो भी एक्सपोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट और फर्दर जो फ्यूचर में डेवलपमेंट क्या रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रैफिक सर्वे का एक हिस्सा है। तो इसमें ट्रैफिक सर्वे में चीज़ें क्या देती है, देखी जाती है, फील्ड में जाके देखी जाती है, फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन की जाती है और फील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है जी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिटेल में पढ़ा जाता है किस तरह के लोग हैं, किस तरह की वो जो ट्रैफिक सर्वे है, जो किस तरह की लोग हैं, किस तरह का वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी जाएंगी, किसमें कलेक्ट की जाएंगी, ट्रैफिक सर्वे में। और सेकेंडली हमारा जो सर्वे किया था वो कहता है रिकॉन्सेंसन सर्वे। तो सेकेंडली जो हमारा सर्वे है ये रिकॉन्सेंसन सर्वे है, ये भी इंपॉर्टेंट सर्वे है रिकॉन्सेंसन सर्वे। तो रिकॉन्सेंसन सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो क्या करता है,
जो ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास डाटा है, ऑलरेडी हमारे पास डाटा है, जैसे मैप है, जो फोटोग्राफिक सर्वे पहले की जाती है उसमें मैप तैयार हुए हुए हैं, जो एरियल सर्वे किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है उसको डिटेल में स्टडी करना,